न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। और अब बात करते हैं रीवा की, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने कहा कि रीवा जिले सहित संभाग भर में बाढ़ सागर परियोजना से बाढ़ की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य की तैयारियों के संबंध में ऑनलाइन संभागीय मीटिंग में 15 जून के अंदर सभी बाढ़ राहत बचाव तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तैयारी में प्रमुख रूप से राहत शिविर लगाने के स्थान चिन्हित करने, बचाव दल गठित करने, राहत उपकरण, दवा सामग्री खरीदने, बिजली पानी आपूर्ति शामिल की गई है। जबकि बाढ़ सागर परियोजना से पीड़ित क्षेत्रों एवं सरकार की शहरी कमजोर एवं अपूर्ण गुणवत्ता विहीन योजनाएं अधिक जिम्मेदार हैं, जिसके संबंध में प्रत्येक वर्ष खाका तो तैयार किया जाता है लेकिन प्रशासनिक अमल नहीं किया जाता। और जब बारिश नजदीक आती है तब कागजों में मीटिंग करके सिर्फ राहत कार्य के निर्देश जारी किए जाते हैं। इस दौरान उन्होंने 1 सितंबर 1997 की बाढ़ त्रासदी का भी जिक्र किया, जिसकी जांच में बिहार एवं बकिया बराज के गेट के समय से खुलना नहीं पाया गया। लेकिन सन 1997 के बाद बिहार नदी में जो भी निर्माण शासन के द्वारा कराए गए उसमें छोटी पुल की कम लंबाई एवं ऊंचाई कम कर दी गई, जिससे शहरी क्षेत्रों में पानी की ठेक लग जाती है और ये सभी कारण बाढ़ के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही इको पार्क रिंग रोड निर्माण की भी खामियां गिनाई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2017 में नदी का गहरीकरण किए बिना ग्रीन कॉरिडोर का काम शुरू कर दिया गया। बिना गहरीकरण के जो दीवार नदी के किनारे बनाई जा रही है उससे बाढ़ का खतरा बनेगा। इस मामले में उन्होंने कहा कि रीवा सहित जिले के सैकड़ों गांव प्रत्येक वर्ष कहीं न कहीं बाढ़ की चपेट में आते हैं। कृषि क्षेत्र में गांव की तबाही के साथ साथ किसानों की फसलों का भारी मात्रा में नुकसान होता है। मुआवजा एवं आर्थिक मदद के नाम पर सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। रीवा में बाढ़ रोकने प्रशासन के पास कोई इंतजाम नहीं है। वर्तमान में चुनावी बाढ़ भी चल रही है और बरसात का मौसम भी आने वाला है, और जिस तरह से विगत कई वर्षों से रीवा भीषण बाढ़ की चपेट में आ जाता है, इसके लिए प्रदेश के अंदर बैठी सरकार और प्रशासनिक अमला जिम्मेदार है, क्योंकि जमीन पर कोई काम नहीं किया जाता है। सिर्फ दस्तावेजों तक बाढ़ रोकने के इंतजाम किए जाते हैं, जिसके चलते तमाम प्रत्येक वर्ष घटनाएं हो रही हैं। आपने देखा 1997 से लगातार बाढ़ त्रासदी से रीवा जूझता रहा, किसानों की फसलें तबाह हो रही हैं, किसानों को उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा है।